हाँ, आज अपन करेंगे डिवाइड यानी कि भाग। और भाग भी पहले मेथड कौन सा? सूत्र निकलम। और आज के बाद डिवाइड में आपके कोई इश्यू कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, बहुत ही शानदार बहुत ही ट्रिक के साथ। लेकिन आपको बस ध्यान से समझना है, ठीक है? तीन एग्जांपल मैंने लिए हैं इसमें, जिसमें बेस 100 हो, बेस 10 हो, बेस 1000 हो, 1000 हो, बस इसके बाहर कुछ भी नहीं जाना। इन तीन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बस समझ लेना, बस वैल्यू चेंज हो सकती है और कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। कि चार पाँच छः जितने भी कैप्सूल मिल रहे हैं उनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस उनकी प्रैक्टिस करनी है। इस मेथड को याद करके दिमाग में फिट कर लेना, और फॉर्मूले भी, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, इसके बाद ये लेंगे, जैसे 1 2 4 5 और 9 7, ठीक है ना? अब ये सीधी सी बात है, जब भी निकलम से आपको डिवाइड पूछे तो सबसे पहले ये देखना है कि ये कुछ मैंने स्टेप्स लिखी है जो फिक्स निकलम में स्टेप्स रहेगी, ठीक है? स्टेप्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको चरण, कुछ बोल दो चाहे। तो 97 किसके नज़दीक है आधार में? तो सीधी सी बात है, बेस 100 के नज़दीक है 97, ठीक है? डिवाइजर भाजक जिससे भाग दिया जाता है, 97 का भाग दे रहे हैं ना, तो 97 अपना हो गया डिवाइजर या भाजक। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात होती है इसके अंदर कि संशोधित भाजक, रिवाइज डिवाइजर, रिवाइज डिवाइजर निकालना पड़ता है अपन को निकलम के अंदर। कैसे है कि क्योंकि अभी बताऊंगा मैं स्टेप कहाँ काम आएगा ये, तो वो उसका फॉर्मूला होता है आधार माइनस भाजक यानी कि बेस माइनस डिवाइजर, तो आपका संशोधित भाजक यानी कि रिवाइज डिवाइजर आ जाता है। आधार है 100, भाजक है 97, ठीक है? तो कितना आ गया 03, तीन लिख दो चाहे 03 लिखना है अपन को, क्योंकि जब अपन बेस 100 लेते हैं ना 20, तो यहाँ पर 03 टू डिजिट के अंदर वैल्यू लिखना ज़्यादा बेटर है। तो चलो तीन चीज़ हमारे पास आ गई, आधार 100, भाजक यानी कि डिवाइजर 97 और बेस 100 हो गया, और रिवाइज डिवाइजर यानी कि संशोधित भाजक 03। क्वेश्चन और रिमाइंडर तो बाद में पता चलेगा, अभी कैसे बता सकते हैं, लेकिन स्टेप में पाँच स्टेप्स रहेगी। अब आओ इधर, करना क्या है अपन को कि ऐसे इधर तो लिखना है आपको सबसे पहले इस साइड, ये जो 1245 है ये नंबर है जिसके अंदर अपन 97 का डिवाइड करने जाएंगे, लेकिन 1245 के अंदर 1245 के अंदर जोड़े कैसे बनेंगे? इसमें जैसे कॉलम बनाओगे आप, एक तो ये कॉलम बन जाएगा, एक ये कॉलम बन जाएगा, एक ये कॉलम बन जाएगा, तीन कॉलम बन गए सपोज, है ना? तो अब अपन को करना क्या है, यहाँ पर आप, या तो इसका मैं बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ कि जैसे आधार में कितने 0 है, 2 0 है, तो उस हिसाब से दो दो के जोड़े बन जाएंगे। एक तरीका तो ये होता है। एक अपन और पढ़ेंगे जो सूत्र परावर्तक पढ़ेंगे डिवाइड, उसमें डेविएशन से पता लगा जा सकता है, लेकिन वो बहुत सारे तरीके हैं। अभी आप कुछ भी देख लो, आधार में 2 0, या फिर ये देख लो कि संशोधित भाजक कितने डिजिट की वैल्यू है, तो वो एक ही बात होना है, उसके दो दो के जोड़े बनाना है। मतलब एक तो 4 5 यहाँ आ जाएगा और 12 यहाँ आ जाएगा, बस मेरा कहने का मतलब है कि दो दो के जोड़े बनेंगे, ठीक है? ओके। और इस साइड यहाँ आ जाएगा अपना भाजक यानी कि 97, समझ में आ गई? 12 और 45 उधर से लिखा जाता है, पहले तीसरे में लिखना है, फिर इसमें, फिर नंबर आ जाएगा 45 45, क्योंकि आधार में 2 0, वो सिस्टम भी सही है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा संशोधित भाजक, क्या आया था 03, मतलब 100 से। इसको अपन नॉर्मली मैं आपको कहना चाहूँ तो विचलन भी कह सकते हो, लेकिन अब आपके क्या है कि ये जो वैदिक है ना, ये वैसे ट्रिक के काम आती है, लेकिन थ्योरी जब लिखते हैं तो ये बड़ी बोरिंग सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़बरदस्ती इतना मुश्किल बना दिया गया, लेकिन अपन को ये इसके रूल है तो रूल को फॉलो करने पड़ेंगे। सूत्र निकले में आपको यहाँ पर संशोधित भाजक ही लिखना है, संशोधन मतलब रिवाइज डिवाइज लिखना है, वो आपको डेविएशन वर्डिंग नहीं लिखनी, वर्डिंग इसकी फिक्स होती है। अब बड़ा आसान हो जाएगा, बस 97, 100 से कितना कम था वो 03, ये 12 और 45। अब बहुत ईजी हो गया, कैसे कि यहाँ पर करना क्या होता है कि इस 1 को बिल्कुल चुपचाप अपने यहाँ लिख देना है। पहले स्टेप क्या है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज को सीधा बिना कहे यहाँ लिख दो। अब इस 1 को जो अपन ने ये रिवाइज भाजक निकाला था, संशोधित या फिर रिवाइज डिवाइजर जो निकाला था, उससे बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 1 को पहले 0 से, अब 03 लिखना, 3 मत लिखना, ये बेस में कितने 0 उस हिसाब से चलेगा। तो 1 को 0 से किया तो 0, फिर 1 को 3 से किया तो 3, लेकिन मैंने लिखा कहाँ, ये जो 1 लिखा अपन नीचे, इसकी सीध में कुछ भी नहीं आएगा, उसके नेक्स्ट आगे वाले सीध में वर्ड आएगा, इसको मत भूल जाना। 1 का 1, लेकिन इस सीध में अब कुछ नहीं, अब 1 को 03 से मल्टीप्लाई करोगे तो 03 ऐसे लिखा जाएगा इसके नीचे, फिर अगर यहाँ कॉलम में जगह नहीं बची तो आगे वाले, जैसे नेक्स्ट वर्ड बता दो। अब यहाँ पर इस पूरे कॉलम को सोल्व किया तो 2 में 0 जोड़ा तो 2 ही रहेगा, ये ऐड होंगे, ठीक है? अब सुनो, प्लस है तो प्लस होंगे, बीच में कोई माइनस है तो माइनस हो जाएंगे।
अब इस दो को फिर 0,3 से मल्टीप्लाई, और जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक यहाँ की पूरी स्टेप खत्म ना हो जाए। जैसे यहाँ की स्टेप खत्म हो गई, अब तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो अपना डिवाइड भी क्लोज हो जाएगा। दो को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, लेकिन यहाँ नहीं लिखूंगा, इसकी सीध में कुछ भी नहीं आएगा, नेक्स्ट में जाएगा। फिर 2 को 3 से किया तो वो आएगा इस 5 की सीध में 6, बस। अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं, डिवाइड क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ पर इन सब को अपन को करना है ऐड, 5 और 6 11, हाँ सी लग गई 1, 1 कैरी लग गई, 4 3 7 और 1 8, 81। तो मेरी बात सुनो, 81 तो हो गया अपना शेषफल, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है, और 12 हो गया अपना क्वोशंट, यानी कि ये भागफल होता है। इतना आपको काम करना है। और एक चीज़ और, ये एक स्टेप और चल सकता था यहाँ पर, शेषफल जो हमारे आए, रिमाइंडर जो आए, अगर वो इस नंबर से बड़े हैं, क्या 81 97 से बड़े हैं क्या? नहीं है। अगर 97 से 81 बड़े होते, बड़ी वैल्यू होती, तो एक स्टेप और आती, वो भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी इससे बड़ा नहीं है, तो इसको यहीं पर अपन खत्म हो जाएगा, क्लोज। तो समझ में आ गई, भागफल 12 और रिमाइंडर 81 आंसर। अब देखो इसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये आपको एक स्टेप आगे वाले भी सिखाएगा, लेकिन पहले आपके ये मजबूत होना चाहिए बेसिक चीज़ें। अब इसको देखते हैं अपन, ये तो अपना कंप्लीट हो गया। हाँ 889, तो सीधी सी बात है, आधार कितना हो जाएगा बताओ, बेस हो जाएगा 1000, क्योंकि 1000 के पास में है, ठीक है। फिर संशोधित भाजक यानी कि रिवाइज्ड डिवाइजर, ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला, क्या होता है, आधार माइनस बेस, आधार कितना 1000 माइनस, सॉरी वो भाजक बेस बोल दिया मैंने, भाजक का मतलब डिवाइजर, डिवाइजर कितना है जिससे अपन डिवाइड करने जा रहे हैं 889, तो क्या बच जाएगा 111111, ठीक है, दो बातें आ गई। तीसरी बात अपन क्या निकालते हैं, क्वोशंट, जो कि अभी अपन को पता नहीं। अच्छा एक भाजक नहीं लिखा, चलो एक लिख दो भाजक, भाजक हालांकि यहाँ लिखना है, ठीक है, भाजक का मतलब डिवाइजर, और डिवाइजर हो जाएगा 889। तीन बातें हो गई, ठीक है, जिससे अपन डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है। चलो अब अपन को करना क्या होता है कि यहाँ पर कॉलम बनेंगे, तो जैसे यहाँ जो कॉलम बनाएंगे अपन, ऐसे तीन कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ अपन को ये देखना है कि जीरो कितने हैं, तीन जीरो है ना, तीन जीरो का मतलब तीन तीन के जोड़े बनाना है, तो 034 तो यहाँ आ जाएगा, 111 यहाँ आ जाएगा, और 889 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ट्रिपल डिजिट जो भी बचा हुआ आ गया। अब इसके बाद में अपन ने यहाँ पर क्या लिखा था, 03, जो कि क्या था, ये था अपना संशोधित भाजक, यानी कि रिवाइज डिवाइजर, वो आ जाएगा इसका यहाँ, ठीक है, ये खींच दी लाइन, बहुत ईजी है। पहले ये मजबूत हो जाएगा ना दोनों, फिर कुछ भी क्वेश्चन हो आपके मुश्किल नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले चुपचाप अपन को वन को इसके पास खड़ा कर देना है, ठीक है। अब इस वन को बारी बारी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, जैसे अपन इस वन को यहीं उतारा था, फिर 03 से मल्टीप्लाई किया था। ध्यान ये रखना है कि इसकी सीध में नहीं, इन दोनों तीनों की सीध में आ सकता है, लेकिन इसकी सीध में कुछ भी नहीं आएगा। वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन आया, फिर वन को वन से किया तो वन आया, फिर वन को वन से किया तो वन आया, वो आगे चला जाएगा क्योंकि यहाँ कॉलम कम पड़ गए। चलो अब इनको ऐड कर लो, इनको किन को, वन और वन, ये हो गया टू, ये लाइन भर गई, कॉलम कंप्लीट। दो को करो, दो को करोगे तो दो दो और दो, समझ में आ गई, क्योंकि इसकी सीध में वो नहीं आना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप, एक कॉलम और रहेगा इसका, अभी जब तक ये तीनों कॉलम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे जब तक अपन करते रहना पड़ेगा। तो इसका अपन ने ऐड किया तो 2 3 4 हो गए, ये कितने हो गए, यहाँ पर अपन लिख दिया 4। अभी 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 इसकी सीध में नहीं आएगा, सॉरी इसकी सीध में तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 4 4 और 4, बस। समझ में आ गई ना, मतलब जो चीज़ नीचे उतार रहे हैं उसकी सीध जस्ट आगे वाले नंबर से सीध में लिखना है बिल्कुल। अब देखो 4 और 4 8 3, और अब ये भी ध्यान रखना बिल्कुल इधर लिखना इस वन को इसकी सीध में, वरना फिर ऐड करोगे तो आगे पीछे हो जाएंगे। 4 4 8 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 1 7। अब एक बात बताओ, ये अपने लिए हो गया क्वेश्चन, तो हो गया मतलब भागफल तो हो गया अपने, भागफल तो हो गया 124, और ये हो गया अपने रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, शेषफल हो गया 798, ठीक है 798 हो गया। क्या ये 798 मैंने कैसे लिख दिया, ये दोनों आंसर लिख कैसे दिए, क्यों लिख दिए, क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि 798 इससे तो कम है, अगर इससे कम है तो ये हमारे फाइनल आंसर है। समझ में आ गई, डन, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 124 आपका क्वेश्चन यानी कि भागफल, और 798 आपके शेषफल। अब इसकी बात करते हैं, ये है वन डिजिट, यानी कि वन डिजिट का मतलब है कि आधार 10, आधार का मतलब होता है बेस 10। अब अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सिंपल स्टेप बता दी, एक स्टेप आगे बढ़ने वाली कब, वो भी आएगी, अभी सुनो है ना, ध्यान से समझना, जितने भी एग्जांपल है वो ध्यान समझ लिए तो कुछ बार नहीं जाएगा, ये तो लिख देता हूँ मैं आपको। फिर हाँ ये हो गया, अब संशोधित भाजक, संशोधित भाजक का मतलब होता है रिवाइज्ड डिवाइजर, और रिवाइज्ड डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होता है, आधार माइनस भाजक 8।
यानी कि वो हो गया अपने दो। अब यहाँ पर जीरो टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीन जीरो थे, तीन डिजिट की वैल्यू बनी थी, दो जीरो यानी 100 थे, दो डिजिट में वैल्यू लिखी थी, लेकिन यहाँ तो एक ही डिजिट होता है 10 को एक, तो दो ही लिखना, जीरो दो यहाँ लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर क्वेश्चन का भी पता नहीं और रिमाइंडर का भी पता नहीं, यानी कि भागफल का पता नहीं है और शेषफल का भी पता नहीं, वो तो अपन सोल्व करेंगे। चलो फिर स्टेप बनी अपनी यहाँ से। अब आधार में एक जीरो है ना, तो इधर तो आएगा, मतलब जोड़े बनाने अपन को, जोड़े बनेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक, फिर यहाँ आ जाएगा 31 और इधर आ जाएगा आपका 8, यानी जिससे आप डिवाइजर यानी कि भाजक। अब क्या करना है, ये खींच देनी है लाइन और यहाँ इसके नीचे लिखना दो, संशोधित भाजक, बड़ा सिंपल है। तीन को तो बिल्कुल चुपचाप अपने यहाँ उतार देना है, तीन को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको भी लिख दो तो ये हो गया 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई करना तो वो आ जाएगा 14। अब कुछ बचा ही नहीं पीछे, एज इट इज 14 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 4 उधर रहेगा, साइड में करें क्या, जगह ही नहीं अपने पास, इसकी सीध में तो अपन लिख नहीं सकते। तो ये हो गए 15। बस ये आपको सिखा देगा, क्या सिखा देगा कि 37 है और यहाँ पर 15 है, लेकिन 15 अभी क्या हो गया, 15 अभी इससे 8 से बड़ा हो गया, मतलब कि हमें यहाँ इसको अपन भागफल और शेषफल यानी कि क्वेश्चन्ट और रिमाइंडर नहीं कह सकते क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो एक स्टेप और चलेगी, मैंने ये तो कहा था कि अगर इससे बड़ा होता तो एक स्टेप और चलेगी, तो अब अपन ने क्या किया कि एक स्टेप और चलाई। और चलाने का बहुत ही प्यारी सी ट्रिक मैंने बना दी, उसको काम में ले लेना, साइड में कहीं लिख लेना, वो रफ वर्क होगा एक तरीके से, या फिर करके दिखा देना कि जो भी रिमाइंडर अभी ये जो बच रहा है ज़्यादा, उस 15 में उसी का डिवाइड करना है 8 का, मतलब ये जो 15 बच रहे हैं इसके अंदर इसी का डिवाइड करना है, कितनी बार गया तो आपके गया 8 * 8, 8 1 8, पीछे क्या बच गया 7। बस यही लिखना है कि 8 का जो 15 में डिवाइड किया था तो अपने यहाँ तो लिख देना है 8, और कितनी बार गया उसको इसमें ऐड करना है ना, मतलब कि जो यहाँ बड़ी वैल्यू बची उसमें उसी का डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको तो इस आंसर में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में, उसमें 1 जोड़ना है, और जो 8 का 15 में जो डिवाइड किया था वो यहाँ पर कितनी बार गया वो एज इट इज लिख देना है, यानी कि 8 से डिवाइड किया था वो 8 15, ठीक है। अब देखो बहुत ईजी है, ये तो हो गया 38 और यहाँ बच गया 7। अब सही है, 7 बच रहा है, 7 इससे छोटा होता है, तो ये तो हो गया रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और ये हो गया क्वेश्चन्ट यानी कि भागफल। लिखना यहाँ पर है कि भागफल तो हो गया 38 और शेषफल हो गया 7। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब ये स्टेप आगे बढ़ती है ना, तब ये वाले इस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। ओके हाँ, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ ताकि डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि निखिलम से डिवाइड और सूत्र प्रावर्तक से डिवाइड और द्वेजांग, लेकिन निखिलम और सूत्र प्रावर्तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। तो देखो आधार, आधार का मतलब इसमें अपन लेते हैं बेस, और बेस कितना हो जाएगा बताओ 100, क्योंकि ये 97 है, ये ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, अभी आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे, छोटे मोटे आपके माइंड में क्वेश्चन उठे होंगे। फिर संशोधित भाजक, यानी कि एक भाजक और लिख दो, भाजक का मतलब होता है डिवाइजर, डिवाइजर हो जाएगा अपना 97। संशोधित भाजक का मतलब हो गया अपने रिवाइज्ड डिवाइजर, रिवाइज डिवाइजर का मतलब आधार माइनस भाजक यानी कि बेस माइनस डिवाइजर, तो 03 यहाँ बच गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तीन बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में क्वेश्चन यानी कि भागफल आ जाएगा और रिमाइंडर यानी कि शेषफल आ जाएगा, जो भी आएगा वो तो खैर आगे आएगा, ठीक है। चलो अब आधार में 20 है तो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, पहले 94 आ जाएगा, फिर 39 आ जाएगा, और यहाँ अपने 97 आ जाएगा और 03 आ जाएगा क्योंकि जो संशोधित भाजक है वो, ठीक है। चलो अब स्टेप्स आगे चलाते, सबसे पहले अपन को बिल्कुल चुपचाप किसी को बिना बताए 3 उतार देना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 0 से किया तो 0 आया, फिर 3 को 3 से किया तो 9 आया, जो कि इस आगे वाली सीध में उतरेगा क्योंकि यहाँ क्या हो गया, ये एक स्टेप इसके नीचे उतार नहीं सकते। नेक्स्ट पे अपन उतारा 9 और 9 को 0 से किया तो 0 आया, और 9 3 27, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, डिफरेंट है इसलिए मैंने लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 9 3 27, जो अपन ने अभी जो 10 वाला किया था वो तो मजबूरी थी क्योंकि कहीं लिख ही नहीं सकते, वो तो डिजिट ही एक डिजिट से बाहर आ गया था इसलिए बाहर लिखा, लेकिन जब 0 हो, ध्यान से समझना, 0 हो तो 2 डिजिट से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये डिवाइड फिक्स होता है, तो यहाँ पर 27 लिखूँ चाहे, देखो मेरी बात ध्यान से समझनी पड़ेगी आपको वरना मुश्किल हो जाएगा,
जो भी मल्टीप्लाई आएगा ना वो बेस को ध्यान में रखते हुए आता है। जैसे आपने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आई, फिर आप कहोगे 0 भी तो है, लेकिन मिनिमम दो कॉलम दो डिजिट होना चाहिए। तो दो डिजिट को अगर अपन फॉलो नहीं करवा रहे तो अपन गलत है, वरना अपन सही है। अभी अपन दो डिजिट को फॉलो करवा रहे हैं तो यहाँ पर 0 ना भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 027 नहीं लिखना, वो तीन कॉलम हो जाएगा जबकि कॉलम को दो ही रखना है। तो 0 को हटा के 27 लिख सकते हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 आया था, लेकिन उस 0 को इस जगह 2 लिखना है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट भी है, ठीक है। अब क्या होगा, 7 4 11 हाँसी लग गई, 1 10 2 12 और ऐसा मान लो कि 9 1 10 19 21 हो गए, ठीक है, 211। अब क्या हुआ, अब हमने जैसे ही चीज़ को नोटिस किया कि यार ये तो 97 से है, रिमाइंडर तो बड़ा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये एक स्टेप और चलेगा। मतलब 211 में 97 का डिवाइड करना है, 97 का 211 में डिवाइड किया तो लगभग जाएगा 2 बार, और वो हो जाएगा 214, यानी 2 7 14, 1 कैरी 18 और 1 19, ठीक है। माइनस करने पर 11 में से 4 गए 7 और यहाँ बच गया 1 17 अपना यहाँ बच गया। तो मैंने कहा था जिससे डिवाइड किया वो यहाँ लिखना है, जो 70 कितनी बार गया 2 उसको इसके अंदर ऐड करना है बस, और यहाँ माइनस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यही बचना है 17। अच्छा 194 नहीं लिखा क्या मैंने यहाँ, सॉरी जिससे डिवाइड नहीं, जो यहाँ पर जो अपना आया था जैसे कि 97 का, तो 194 जैसे पिछले अपन ने यहाँ 8 लिखा था क्योंकि 8 एक ही बार गया था, तो वो लिखना है जो यहाँ होता है, ठीक। अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो 8 मैंने कहाँ से लिखे थे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बच जाएंगे 17, तो रिमाइंडर का मतलब शेषफल, और ये हो गया आपके 41 क्वेश्चन यानी कि भागफल, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन तो हो गया भागफल, तो हो गया 41, और रिमाइंडर यानी शेषफल हो गया 17। अब आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल और आपने समझाए तो, ठीक है। चलो ये थी सूत्र निखिलम, इन 3-4 क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से करना है। अब अपन करते हैं सूत्र प्रावर्त्य, ओके। हाँ, अब अपन मेथड लिखेंगे सूत्र प्रावर्त्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो एक्चुअली एसी की सर्विस नहीं हो पा रही। तो देखो सूत्र प्रावर्त्य की मैं अगर बात करूँ तो ये मेथड बताऊँ कहाँ लगाना है आपको, बहुत ही ईजी, छोटी सी बात है कि ये आप कहीं साइड में लिखो कि ये ज़्यादा बेस्ट वहाँ पर होगा कि, हालांकि मैं भी लिखवा दूँगा आपको वर्डिंग में, जहाँ पर इसके जो डिवाइड करने वाली डिजिट होगी ना वो 5 से छोटी हो, 5 से छोटी होनी चाहिए। 5 से छोटी का मतलब जैसे जिसमें भी डिवाइड करेंगे, जैसे 130 है तो ये 130 एक जो कोई सा भी अंक इस 5 से छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया 132, इसमें देख लो बोले सब 5 से छोटे हैं, मतलब हर अंक ऐसा होना चाहिए 5 से छोटा होना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैं अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल लूँगा ना तब आपको यहाँ पर एक बात ये लिखवा दूंगा, ठीक है, ओके। सही साइड में लिख लेना क्योंकि मैंने कहा था ना ऑब्जेक्टिव पेपर अगर बनने वाला होगा तो ये बात ज़रूर हो जाएगी कि ये जो मेथड है, ये विधि बोल दो चाहे मेथड बोल दो, जरूर लिखो इस डीपली बात को, बहुत डीपली बात है ये विधि या ये मेथड वहीं ज़्यादा बेस्ट है या फिर ज़्यादा अच्छी मानी जाती है जहाँ पर जो डिजिट है, डिजिट का मतलब अंक है ना, अंक वो 5 से छोटे हो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इस विधि को वहीं पर ज़्यादा बेस्ट माना जाता है जब डिजिट या अंक 5 से छोटे हो, वरना निखिलम ही लगाना बेस्ट होता है, वरना निखिलम बेस्ट है। ये तरीका है ना जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि इस विधि को कहाँ लगाना ज़्यादा बेटर है। अब ये कुछ लाइक निखिलम जैसी चलेगी, लेकिन इसे कुछ शर्त है कि जब भी सूत्र प्रावर्त्य जहाँ पर आपको लगाना हो वहाँ 3 खंड बनाने हैं, प्रथम यानी कि फर्स्ट, मिडल यानी मध्य और तृतीय, 3 खंड बनाने हैं, 3 पार्ट बनाने हैं। उसके बाद में 3 बातें साइड में इधर लिखनी है, वो तो 3 कॉलम अभी खाली छोड़ने हैं, डिवाइजर यानी कि भाजक, डेविएशन यानी कि विचलन, और प्रावर्तित अंग रिफ्लेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और नई चीज़ है, ठीक है, रिफ्लेक्स इंडेक्स, रिफ्लेक्स इन डिजिट यानी कि प्रावर्तित अंक। चलो अब क्या क्या है, डिवाइजर तो आपको पता ही है 131 है जिससे अपन भाग कर रहे हैं, विचलन डेविएशन, और वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब हम आधार मानेंगे, भाई आधार का मतलब बेस, जब तक बेस नहीं मानेंगे डेविएशन कहाँ से लाएंगे, तो सीधी सी बात है 100 के नज़दीक है, 131 किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो डेविएशन हो गया 100, सॉरी वो आधार हो गया 100। तो अब डेविएशन क्या हो जाएगा, डेविएशन का मतलब विचलन, और विचलन हो जाएगा आपको पता ही है इसमें से माइनस किया जाता है उस पर 131 में से, तो ये हो जाएगा आपका 31,
डेविएशन कितना हो जाएगा, 100 से ज़्यादा है 31, तो प्लस में 31 हो जाएगा। दो बातें अपने समझ में आ गई, तो यहाँ लिख देंगे अपन 31। अब परावर्तित अंक जो होते हैं, परावर्तित अंक का मतलब है रिफ्लेक्स डिजिट, वो होते हैं इन्हीं दोनों को लिखना है, -3 -1, जो भी यहाँ विचलन डेविएशन आएगा उन दोनों को अलग अलग लिखना है, लेकिन माइनस में, मतलब उसका जस्ट उल्टा भी है, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, -3 और -1। समझ में आ गई, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऐसे अलग अलग इसको लिखना है। चलो अब मध्य खंड के अंदर क्या आ जाएगा, वो ये नंबर, क्योंकि 131 का काम तो हो गया। अब करना क्या है कि आधार अपन ने क्या लिया था, 2 0 तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, यहाँ तो आ जाएगा 85, पहले थर्ड में लिखना है, उसके बाद सेकेंड में 133, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, पहले थर्ड में फिर इस मिडिल में। अब अपन को क्या करना है, इस 3 को बिल्कुल, सॉरी 1 को बिल्कुल चुपचाप अपन को यहाँ उतार देना है, ठीक है। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। अब इसको सोल्व कर लो और चुपचाप अपने नीचे उतार दो, 3 - 3 0 बचा, कुछ भी नहीं, खत्म हो गया सोल्यूशन। फिर 0 को -3 से किया तो 0 आया, फिर 0 को -1 से किया तो 0 आया। तो समझ गया ना, इसके सीध में नहीं लिखना, वो तो अब आपके लिए पुरानी चीज़ हो गई। अब यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2, फिर 2 को किया, 2 को -3 से किया, लेकिन इस सीध में तो कुछ आएगा नहीं, नेक्स्ट में आएगा, 2 को -3 से किया तो -6, और 2 को -1 से किया तो -2। ये है शानदार तरीका, बस एक नई चीज़ आ जाएगी, परावर्तित अंक यानी रिफ्लेक्स डिजिट, और वो होगा माइनस में, बस किस, और ये आएगा कहाँ से, जो ये नंबर है उसी को लिखना है, लेकिन बस अलग अलग लिखना है माइनस में, ठीक है। अब सोल्व कर लो, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा प्लस का, क्योंकि 8 प्लस के बड़े हैं, 5 प्लस के बड़े हैं, तो 23 क्या 131 से छोटे हैं क्या, यस। तो इसका मतलब ये तो हमारे हो गया रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और 102 हो गया अपने भागफल यानी कि क्वेश्चन। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लिख देंगे अपन 102 यानी कि भागफल तो हो गया 102, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर हो गया अपने 23। बहुत ईजी है, मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा निखिलम जैसा ही है, बस इसको इस तरीके से करना है। एक एग्जाम्पल और ले लूँगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब ऐसे ही एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लो, फिर सूत्र परावर्तन में कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 और 1 1 2, वही अपन को प्रथम खंड यानी कि फर्स्ट थर्ड सेकंड और थर्ड 3 बनाने, खंड बनाने, ठीक है। इसके बाद में इधर अपन को लिखना है भाजक का मतलब डिवाइजर, ठीक है, यहाँ डिवाइजर आ जाएगा अपना, और सेकंड के अंदर आ जाएगा अपने डेविएशन, डेविएशन का मतलब विचलन, ठीक है, और तीसरा जो थर्ड कॉलम है वो जाएगा परावर्तित भाजक यानी कि रिफ्लेक्स डिवाइजर, ठीक है। ये हो गया अपना जो भी था, मतलब थ्योरी वो पीछे वाले से हम लिख देना। अब यहाँ पर 3 जो कॉलम बने वो अपन को ऐसे बनाना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे आधार, आधार का मतलब बेस, और बेस हो जाएगा 100 क्योंकि 100 के नज़दीक है, और विचलन यानी कि डेविएशन सीधी सी बात है 100 से कितना ज़्यादा है 12, तो 12 दो डिजिट है तो अपन को 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 2 दो डिजिट कंप्लीट हो गया काम। तो विचलन यहाँ पर लिख देंगे भाजक, वो तो 112, फिर विचलन 12, फिर परावर्तित जो अंक है रिफ्लेक्स जो डिजिट है वो हो जाएगा -1 और -2, ठीक है। तो रिफ्लेक्स डिजिट या परावर्तित अंक क्या हो जाएगा अपना -1 और -2, और यहाँ पर सीधी सी बात है बेस में कितने 0 है 2 0, तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, वैल्यू में तो 3 4 यहाँ आ जाएगा और 1 2 इधर आ जाएगा, पहले थर्ड में लिखना है फिर इसमें लिखना है। और देख लो भले इसमें भी ट्रिक काम करिए ना, 1 1 2 मतलब 5 से छोटे डिजिट होने चाहिए, 5 छोटे अंक हैं। अब एक को चुपचाप अपन को यहाँ लिख देना है, फिर इस 1 को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से किया तो -1 इसके सीध में आएगा, फिर ये -2 इसके सीध में आएगा। अब इस सॉल्यूशन को कर लो तो यहाँ बचा 1, फिर इस 1 को फिर से 1 से किया तो यहाँ आ जाएगा -1, फिर 1 को माइनस तो -2 इसके सीध में आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन कर लो, यहाँ तो 11 बच गया और यहाँ हो जाएगा 3 में से 3 चले गए, देखो -2 और -1 -3 हो गया, और -3 और +3 कट गया 0 हो गया, 4 तो 2, ठीक है, 2 है यहाँ पर, ये 2 है भाई, तो 0 2, ये 112 से तो छोटे ही हैं, तो ये हो गया अपना शेषफल यानी कि रिमाइंडर, और ये हो गया अपना क्वोशंट यानी कि भागफल 11 और शेषफल 0 2। तो बहुत ही शानदार है ये, आपको वीडियो कंप्लीट करना, एक वीडियो और आएगा फिर वैदिक, बहुत ही शानदार ये 5 या 6 कैप्सूल बने हैं,
इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, और छोटे क्वेश्चन जो और बनाएंगे सुपर 30 टाइप वो मैं और डाल दूंगा आपके लिए, फिर आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब एक ध्वजांक बचा है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, ओके।